सो एक स्नेहा ही है साडा कि इत्थे कोई फर्क नहीं कौन मान है ते कौन खान है, कौन शर्मा ते कौन वर्मा है। ना कोई शर्मा ना वर्मा ना खान है ना पठान है, इत्थे जिहड़ा बैठा वो किसान है। विरसा लाइव टीवी देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। किसानों वालों नवे खेती कानून के विरुद्ध शंभू बॉर्डर से अणमिथे समय लिए धरना जारी है, जिस विच पंजाब दे बच्चियां तो लैके बजुर्ग भी अपना समर्थन दे रहे हैं। इस दे नाल ही पंजाब दे कलाकार भी धरने विच शामिल हो रहे हैं ते अपना योगदान दे रहे हैं, जिस विच धरने दौरान देश तो बाहर होण करके ना पहुँच सकण वाले पंजाबी कलाकार गुरप्रीत घुग्गी भी इस बार शामिल होए ते कुछ गल्लां संगत नाल सांझियां कीतियां। सब तो पहला फतेह दी सांझ पाउंदे आ जी। वाहिगुरु जी का खालसा। ये एक ऐसी गुरु साहब की बख्शी हुई सानू मैं दात कहांगा जिहड़ी साडे चेते जदों इधर उधर खिलरे हुंदे आ ना, जदों असी फतेह की सांझ पाउंदे आ सारे कन्न चुकन्ने हो जांदे आ, सारे चेहरे एक पासे नूं मुड़ जांदे आ कि फतेह गजाई जा रही है। सो आओ एक बारी फिर जिदा अजे भी ध्यान किते उरे परे आ उन्हां नूं भी इधर नूं इकट्ठे करिए। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सो अज सब तो पहला तो मैं पंजाब दे आवाम तो माफी चाहना कि जदों दा इह संघर्ष शुरू होया उस तो पहला असी विदेश चले गए सी किसे काम वास्ते, ते रोज अंदर इन्नी व्याकुलता सी, इन्नी तत्परता सी, इन्नी अंदर भटकना सी कि कदों मैं वापस पहुंचा। परसों वापस आए हाँ, कल ही बेनती की। इस समय दे बहुत वड्डे विद्वान, मैं बहुत सत्कार करदा, विद्वान उही नहीं हुंदे जिन्हां दे पिछे कोई 400 डिग्रियां लगियां हुंदियां। विद्वान ज्ञान दा पुत्तर हुंदा, जिहदा प्यो ज्ञान है ना वह विद्वान है, जिन्हें ज्ञान की अधीनगी की है, जिन्हें ज्ञान नूं अपना गुरु मन्निया वह विद्वान है। सो अज दे समय दे विच जनाब सुखप्रीत सिंह उदो के साहब साढ़े नौजवान विद्वानों के आते हैं। मैं आके इन्हां नाल सलाह की, इन्होंने दस्या कि आपां फिर मैं क्या जल्दी मैं कितने जाना चाहना, तो इन्होंने दस्या कि दीप सिद्धू बाई हुणां दा जिहड़ा मोर्चा लगातार संघर्ष कर रहा, और मैनू इस मोर्चे ते आउण दा कारण सब तो वड्डा की सी कि असी कुछ नाम सुनते हुंदे आ कई वारी गेटवे ऑफ इंडिया, इदां ही होर कंट्रीज दे विच गेट हुंदे ने, जिदां असी इधर श्रीनगर तो उपर चढ़ जाइए जदों जाके असी वह जिन्हें पास बने हुए ने ना वह भी गेटवे सीगे, जिहड़े धाड़वी सानू मारन ते लुट्टण आउंदे हुंदे सी वह भी उत्थों एंटर करदे हुंदे सी। सो शंभू मैनू लगदा है गेटवे ऑफ पंजाब है, जिहड़ा भी इत्थों एंटर करदा ना पंजाब च जाण लई साडे सुभा दा, साडे हठ दा, साडे जज्बे दा, साडे इकट्ठ दा उन्हूं इत्थों वड़दा ही पता लग जांदा भी मैं कित्थे आया, कित्थे चला, अगे कौन बैठे होने आ, इत्थों दरवाजे तों ही पता लग जांदा। क्योंकि पंजाबी च कहावत है कहिंदे घर दे भाग ड्योढ़ी तों दिस पैंदे आ, झोने वाले पिंडां दा पराली तों पता लग जांदा। सो आ झोने वाले पिंडां दी पराली पई है तां पता लग जांदा भी अगे झोना बहुत है। सो जिहड़ा इत्थों वड़ेगा उन्हूं समझ आ जाएगी कि जे शुरुआत साडा स्वागत इत्थे शंभू बॉर्डर ते जयकारियां दे नाल, नारियां दे नाल, एकता दे नाल, एकजुटता दे नाल, एक मुठता दे नाल हो रहा, तां अगे सारे पंजाब दे विच फिर अगों की हो रहा होना। सो तुसीं बहुत सही जगह ते सारे आके मिल जुड़ के बैठे हो, और मैं बड़े फखर नाल गल कहना कि अज साडी पूरी कलाकार जमात साडे च समाज दे विच कई वारी वखरेवें हुंदे आ सोच दे, पर एक मौका आउंदा जदों पता लगदा घर दे विच जदों भीड़ बनदी है ना फिर पता लगदा किहड़ा पुत नखेदा ते किहड़ा पुत जिहड़ा पंजाब साडे परिवार दा जिहड़ा उह साऊ पुत है। सो समें परिवारां च ऐसे आ जांदे ने, उह परिवारां नूं इकट्ठे कर जांदे ने, भरावां दे वैर विढ़े आपस च मुक जांदे ने, साडे आपस च गिले शिकवे मुक जांदे ने, अखां चों अथरू आ जांदे ने जदों पता लगदा असीं गल्ली बाती एक दूजे तों दूर सां, असीं तां परिवार आ, असीं सारे इकट्ठे आ। अज खिडारी, कलाकार, गीतकार, साहित्यकार अज सारे किसान दे मोढे नाल मोढा जोड़ के खड़े ने, ते सारी दुनिया नूं एक सुनेहा भी चला गया है कि पंजाब किसान और किसानी तो दूर नहीं है, किसान और किसानी का मतलब पंजाब है, और पंजाब का मतलब किसान है। सत श्री अकाल।
और एक गल मैं होर बड़ी खुशी ना कहना जिथे मेरे दोस्त तुसी रौनी जी नूं सुनिया उदो के साहब बैठे हैं भैन जी राखी हुंदल साडियां बच्चियां बहुत सोहना स्टेज ते गा के भी गई हैं अपनियां कवितावां सुना के गई हैं उत्थे मेरे नाल अरशद खान डाली आए हुए ने मलेरकोटला तो सो एक सुनेहा ही है साडा कि इत्थे कोई फर्क नहीं कौन मान है ते कौन खान है कौन शर्मा ते कौन वर्मा है ना कोई शर्मा ना वर्मा ना खान है ना पठान है इत्थे जिहड़ा बैठा वो किसान है और लोग जाते ने जो किसी मुहिम से किसी संघर्ष के कोई दान लैके जाता नकदी का कोई लंगर लैके जाता कोई मीडिया अपने नाल लैके जाता कोई गड्डिया का काफिला अपने नाल लैके जाता कोई पूरा भीड़ भड़का अपने नाल लैके जाता मैं अज बड़े फखर ना कह रहा कि मैं होर कुछ नहीं मैं अपने नौजवान पुत्र नू नाल लैके आया कि जे मैं किसान का पुत हाँ तो यह भी किसान का पुत है यह संघर्ष का मतलब समझे मेरा पुत्र देखे कि पुंजे बह के संघर्ष में किवें हिस्सा लईदा संघर्ष नूं किवें समझीदा क्योंकि कद तक साडे कोले सब कुछ रहना वागडोर नौजवानों को जानी है और जिहड़ियां बच्चियां नूं मैं खुशी नूं और छोटी बच्ची नूं खड़ौण नूं जदों मैं सुनिया तो एक मन च कॉन्फिडेंस आया कि असीं किते नहीं मरदे सानूं कोई नहीं मार सकदा मैनूं इन्हां बच्चियां वल देख के वो सत्रां याद आ गईआं कि मन्नू साडी दातरी असी मन्नू दे सोए सानू ज्यो ज्यो मन्नू वढ़दा असी दून सवाए होए वो केड़े किसान दीआं गल्लां करदे साडीआं ते फसलां आ बैठीआं जे चल काका एक वारी तू भी खड़ा हो जा पुत नहीं बस ठीक है बस ठीक है कोई नहीं देख ले सो मैं बेनती यह करदा जी फसलां बैठियां साडियां केड़े किसान नूं बर्बाद कर लोगे आ साडी बच्ची करोड़ भी फसल है साडी आउण वाली नसल है खुशी साडी बेटी फसल है सुखन बेटा ये भी फसल है सो असी फसलां तैयार कर लईआं ने किसान दा नुकसान नहीं तुसी कर सकदे कदे भी और मैनूं क्योंकि बिल्लां ते बहुत गल हो गई होर सरकारां ते भी तवे बड़े लग गए पोलीटिकल गल्लां भी हो गईआं इधर उधर ले मुद्दिआं ते भी गल्लां हो गईआं मैं अज उन्हां मुद्दिआं ते गल्लां नहीं करनियां मैं किसे सरकार नूं किसे लीडर नूं भंडन नहीं आया वो पोलीटिकल गल्लां हुंदियां ने मैं तो यह भी कहना वा जिदा अज सिद्धू साहब स्टेज तो कह रहे सी कि प्रगट सिंह होना ने आना सी मैं उन्होंने सामने कहना सी कि तुसी इदां कीता पर नहीं जे कोई बंदा इत्थे साथी बन के संगी बन के संघर्षशील बन के इत्थे आके बहना चाहुंदा वो किसे पार्टी दा होवे किसे धर्म दा किसे जात दा उहदा सिर्फ स्वागत करो अज मेणे मारन दा टाइम नहीं अपनी पार्टी का झंडा अपनी गड्डी च रख के अपने घर रख के संघर्षशील बन के इत्थे आके बैठे तो किसान ही है साडे नाल ते जे कोई चाहे कि मैं लीडरी चमकाउण आया अपनी पार्टी का झंडा बुलंद करन आया तो उन्हों को पाई है सड़कां एक इधर नूं जांदी एक इधर नूं जिधर जाना ही निकल जा तेरी थां कोई नहीं साडे संघर्ष दे विच असीं पार्टियां और लीडर चमकाउण नूं नहीं इत्थे बैठे जिन्हें पंजाब की गल करनी है पंजाब की किसानी की गल करनी है पंजाब की जवानी की गल करनी है साडे नाल इत्थे बह जाए वरना राह तुहानू पता ने किधर किधर नू जाना चले जाओ नहीं तो अगले गड्डी च बाल के घल देणगे इन्हां नू घलना भी आउंदा मैं गल सिर्फ इन्नी करना है कि पंजाब की पहचान सिर्फ दो चीजा नाल है भगती ते शक्ति पंजाब की पहचान की है भगती ते शक्ति जिन्हों कोई शक होवे वह दरबार साहब सच्चे पातशाह दे दरां ते जाके वेख लियो उत्थे दो ही मरकज बनाए ने दरबार साहब श्री हरिमंदर साहब भगती का मरकज है सामने अकाल तख्त साहब शक्ति का मरकज है सो भगती शक्ति साडी पहचान है हुण तुहानू मिसाल यही तुहाडे चों ही देण लगा किसानी की भी कि भगती की जे गल करिए ते सब तो पहला सिरमौर मेरा बाबा नानक लोगों की अखां दे अगे इदां आंदा जिदा अंबर साडे सिर ते फैलिया इदां ही गुरु नानक साडा बाबा नानक साडे उत्ते इदां फैलिया होया सानू लगदा है पंजाबियों नूं कि असीं जिथे भी बैठे हाँ बाबे नानक की गोद च बैठे हाँ बाबा नानक साडे सिर ते हथ रख के बैठा और दुनिया के कोई किन्ने मुल्कां दे विच पैदल उदासियां करन तों बाद सारे संसार नूं राहे पाउण तों बाद जिथे जिथे तक जाया जा सकदा सी सालां दे साल उदासियां करन तों बाद फिर गुरु नानक साहब वापस करतारपुर साहब आके 12-14 साल खेती करते रहे उन्हां दस्या सी
कि मैं पहलों किसान हाँ, किसान का पुत ही हाँ। मैं दुनिया के सच की फसल बीज के दुनिया के सच्चाई की बी का छट्टा दे के वापस आके अपनी जरखेज धरती च फिर खेती की मेरे बाबे नानक ने। सो भगती भी साड़ी किसानी नाल जुड़ती है। सो भगती तो बाद जे आ जाइए शक्ति की गल करिए तुहाडे सामने योधे की फोटो लगी है। 23 साल 7 महीने की उम्र के फांसी का रस्सा चुमन वाला साडा नौजवान इहदी जिंदगी की सब तो पहली घटना जे किसी नूं याद होवे अपने खेतों के तीले बीजदा पिया सी। तीले इन्हू किसी ने पूछा सी पुत्रा ये की करदा कहिंदा दंबूकां बीज रहा यह दंबूकां उगणगियां ते मैं अंग्रेजां दे सीने पाड़ांगा। सो भगती और शक्ति दोनों किसानी के नाल जुड़िया हुई ने। सो साडियां जड़ां ये जिहड़े पिछले विजडम टुथ जिन्हों कहिंदे ना मगरली दाड़ कहिंदे यही पट्टणी औखी हुंदी है बाकी तो पट्टियां जांदियां जमूर नाल क्योंकि इन्हां दियां दो जड़ां हुंदियां इदां दोवें पासे। सो ये किसानी दियां जड़ां तुहानूं पता ही नहीं कित्थे कित्थे तक फैलियां और किन्नियां ये डूंगियां ने। जे कोई सोचे पंजाब दे किसान नूं पंजाब दी किसानी नूं हिला सकदा इहनूं हरा सकदा ते उहदे मन दा बहुत वड्डा वहम है। जदों वहम कढ़णा होवे कोई किते वी कढ़ ले क्योंकि किसानी पंजाब दी तर्जमानी है। किसानी नूं खत्म करना पंजाब नूं खत्म करन वाली गल है और बड़े बड़े सितमगर यह सोच के पंजाब चाहे कि पंजाब नूं खत्म कर देना यह तां उह थां है वह धरती है जिथों अनाउंस हो गया सी कि लो जी ये कौम खत्म हो गई है। उदों फिर बोता सिंह गरजा सिंह ने चुंगी लाती सी कहिंदा चुंगी दिओगे ते अगे जान देना नहीं ते नहीं जा सकदे। और अज गल एक नहीं किसान की नहीं आ तुहाडे सामने खेत मजदूर का बच्चा भी तुसी देख रहे हो जिन्हों अपने स्कूल दे विचों अपने स्कूल के घड़े चो पानी पीन की इजाजत नहीं सी इस करके स्कूलों कढ़ दिता गया सी कि उस घड़े नूं हाथ लाता सी। और अज जे तुसी इत्थे बैठे हो ना तुहानूं नहीं उठाया जा सकता यह तुहाडा संविधानक हक है और तुहानूं इस संविधानक हक इस मजदूर के खेत मजदूर के बच्चे ने दवाया सी। सो अज जदों तुहाडे कोल किसान और खेत मजदूर दियां मिसालां तुहाडे सामने लगियां ने जे तो इन्हां तों वड्डा कोई इस धरती ते इस हिंदुस्तान च हैगा ते दस दिओ पर नहीं तो जिन्हां दे मगर इन्हां दी आइडियोलॉजी खड़ी है जिन्हां दे सिरां दे उत्ते गुरु साहब दे हथ ने उन्हां नूं कोई यह सोचे कि इन्हां नूं हरा देंगे इन्हां नूं हिला देंगे तो यह बहुत वड्डा वहम है। कोई समां सी जदों असीं ट्रालियां दे मगर अज भी किते किते फोटोआं छपियां देखदे आं जय जवान जय किसान पर अज की साडे मुल्क च हो रहा है। अज बॉर्डर दे उत्ते जवान अजाई मौत हो रही है उहदी अजाई जान जा रही है उहदी भावें उहनूं जो मर्जी सी कही है देश लई अपनी जान दे रहा है देश तों कुर्बान हो रहा है पर किते ना किते पोलिटिकल मसले ने इन्हां दा हल करके उह कीमती जानां बचाईआं जा सकदीआं। अज दी डेट दे विच किसान दे नाल जो हो रहा है मैनू लगता वह नारा बदल गया हुण ते जा जवान ते जा किसान हो गई है भी ना तेरी लोड़ है ना तेरी लोड़ है सानू। मैं हिंदुस्तान दे हर घर दे विच देखिया 90% घरां च देखिया कि जदों असीं सवेरे रोटी खाण लगदे हां दुपहरी रात जदों रोटी मिलदी है ना जिन्ने दानिशमंद लोग ने जिन्ने उस रब की रजा च रहण वाले लोग ने वह पहलों प्रशादा हाथ च फड़ के उन्हों नमस्कार करते हैं रब का शुक्रिया अदा करते हैं। और अज मैं बेनती करांगा जाग दियां जमीरां वाले हो जदों हाथ च अन्न फड़िया हुंदा ना जदों उस भगवान का शुक्र करन लगदे हो हुण एक नहीं दो नाम लिया करो जय भगवान ते जय किसान। और एक मजे की गल जिन्नी वार भी पार्लीमेंट दे विच ऑर्डिनेंस दे उत्ते बहस हुई बहस तो हुई नहीं खैर विचार हुई जां इनू लागू करन बारे गल्लां होईयां लंबा समा चलिया जिन्नी वार भी बैठकां होईयां मीटिंग्स होईयां 2-4 घंटे बाद जदों किसानी दी किस्मत लिखी जा रही सी किसान दी किस्मत नहीं किसान दी बर्बादी लिखी जा रही सी उदों भी हर 4 घंटे बाद कहिंदे सी ब्रेक है
जाकर खाना खा के आते हैं, जाकर रोटी खा के आते हैं। तो जो ब्रेक दे वेचे रोटी खान लगते सी, रोटी दाल चावल हाथ च फड़ के मासा दर्द नहीं सी आंदा कि ब्रेक लैके जिहड़ी चीज खाण आए हां इहनू पैदा करन वाले नू बर्बाद करन दीआं तैयारियां करदे पए आं। अज जिन्नी रॉकेट साइंस तुसीं देख रहे हो, नासा ते साइंसदान चले गए, असीं चंद्रमा ते पहुंच गए, असीं मंगल ग्रह ते पहुंच गए, जाओ उन्हां साइंसदानां दीआं चार दिन रोटियां बंद कर दो जे नासा नूं ताले ना लग जाण तां। यार दुनिया च कोई खोज हो रही है, अज करोना वैक्सीन की खोज हो रही है, करोना दीआं दवाइयां की खोज हो रही है, साइंसदान लगे हुए ने कि करोना की दवाई लभनी है, जाओ उन्हां लैबोरेटरियां नूं 10 दिन रोटी की सप्लाई बंद कर दिओ, सारे विच्चे ही अपनियां खोजां छड्ड के बाहर आ जाणगे। पर फुलका दिओ पहलों कित्थे है, कोई बर्गर मंगणगे, पीजे मंगणगे, जो 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 भी कोई खांदा है वह पहलों भोजन मंगेगा, इहदा मतलब भोजन तो उपर कुछ नहीं। ਇਹ ਅੰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਜੇਤੇ ਦਾਣੇ ਅੰਨ ਕੇ ਜੀਆਂ ਬਾਜ ਨਾ ਕੋਏ, ਜੇਤੇ ਦਾਣੇ ਅੰਨ ਕੇ ਜੀਆਂ ਬਾਜ ਨਾ ਕੋਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਜੀਉ ਹੈ ਜਿੱਤ ਹਰਿਆ ਸਭ ਕੋਏ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਕਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਦਾਣੇ ਤੇ ਵੀ ਡਾਕਾ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਏਦਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨ ਦਿੰਦੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਹੁਤੇ ਲੰਮੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਕਦ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦਾ ਐਂਡ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਅੰਤ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਧਿਰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰ ਲਓ ਉਹ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਾਰਾ ਹੀ ਇਕੱਠਾ ਹੈ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਕਲਾਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਖਿਡਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਵਪਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਹਰ ਗਰੀਬ ਗੁਰਬਾ ਅਮੀਰ ਹਰ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਏ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਈ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਜੋ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਗੱਲ ਤਾਂ ਗਲਤ ਹੈ, ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਕਿ ਤਾਰ ਪੀਡੋ ਕਰ ਦਿਓਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਇਹ ਹੱਕ ਮੰਗੇ ਕਦੋਂ ਸੀ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਕਦੋਂ ਅਰਜੀ ਪਾਈ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਆਹ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣੇ ਬੱਸ ਰੋਕ ਲਓ ਇੱਕ, ਆਹ ਬਾਪੂ ਜੀ ਬੈਠੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਸ ਚੜਾ ਦਿਓ, ਬਾਪੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾਲ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਉਹ ਭਾਈ ਕੂਣੀਆਂ ਮਾਰੂਗਾ, ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਬਾਪੂ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਰਨਾਲ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਕਰਨਾਲ ਜਾਏਗਾ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਇੱਧਰ ਹੈ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾਲ ਜਾਵਾਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਧੱਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਸ 'ਚ ਚੜਾਓਗੇ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਹੋਗੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਭਲਾ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਮੰਨੇਗਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਭਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹਨੇ ਚੜ੍ਹਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੱਸੇ, ਕਿਉਂ ਚੜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਮੰਗੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ, ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਥੋਪ ਰਹੇ ਹੋ? ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਜਲੇਬੀਆਂ ਖਾ, ਤੈਨੂੰ ਖਾਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ, ਤੇ ਭਾਈ ਉਹ ਲੂਣ ਘੋਟਣਾ ਹੀ ਮਾਰੂ ਸਿਰ 'ਚ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ, ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਖਾਵਾਂ? ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਲਈ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ MSP ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਖਤਮ ਕੀਤੀ? MSP ਤਾਂ ਰਹੇਗੀ। ਜੇ MSP ਰਹੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਿੱਲਾਂ 'ਚ ਐਡ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਤਾਂ ਰਹੇ ਆ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿਆ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿਆ, ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ। ਹੋਰ 2-3-4 ਸਰਕਾਰ ਸਾਲ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲ ਗਈ, ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਆ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਜਾ ਕੇ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਲਾਅ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਉਹ ਕੋਈ ਕਿੱਦਾਂ ਮੰਨ ਲਏਗਾ? ਇਹ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਧਰ ਇੱਟਾਂ ਸਟਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਪਲਾਟ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਸਾਡੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਆਪਣਾ ਹੀ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਦਾਦੇ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਘਰ ਬਣਾ ਲਓਗੇ? ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਰਜਿਸਟਰੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਇੱਥੇ ਘਰ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾ ਲਓਗੇ? ਸੋ ਜਦ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ ਸਾਡੇ ਲਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ MSP ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਮੂੰਹ ਜਵਾਨੀ ਅਖੇ ਆਪੇ ਮੈਂ ਰੱਜੀ ਪੁੱਜੀ, ਆਪੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਜੀਣ, ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਇੰਡੋਰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨ ਜਾਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਸ ਛਲਾਵੇ 'ਚ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਲਾਵੇ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਣ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਹੈ, ਜਿੱਡੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਫੀ ਬਣ ਜਾਓ, ਧੌਲ ਮਾਰ ਕੇ ਨਿਕਲਦੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲਦੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ
मैं बिलों बारे बहुत ज्यादा डिटेल इस करके नहीं गया, तुसी सारिया ने सब कुछ सुन लिया पढ़ लिया, और जे उन्हूं ज्यादा विस्तार नाल दस्या जा सकता तो उदो के सब दस सकते जिन्हों का रिसर्च हुंदा इस चीज ते। बाकी मंच ते आके अद्धा पौना घंटा होर गल्लां करके बोल के चले जाना फलाना माड़ा फलाना चंगा, वह अलग गल है। मैं सिर्फ यह कहांगा भी मैं अपनी गल बोलिया, जिहड़ी मुद्दियां ते गल है वह उदो के सब तुहानूं ज्यादा वधिया दस सकते ने, पर मैं दीप सिद्धू बाई हुणा दा सारिया दा उन्हां दी टीम दा धन्नवादी हाँ कि तुसीं इस संघर्ष नूं बहुत वधिया तरीके नाल विढ़िया होया और इहनूं चला रहे हो। और मैं लास्ट ते तुहानूं बेनती करांगा कि एक टाइम आ जांदा, हाँ जी मैं लास्ट ते बेनती करांगा कि एक दिन आ जाणा जदों तुसीं थक जांदे हो, जदों तुसीं अक जांदे हो, एक टाइम आ जांदा जदों सानूं लगन लग पैंदा कि यार जिहनूं अंग्रेजी च असीं कहिंदे चीज़ां स्टेल हो जांदियां, उन्हां चीज़ां च उत्साह मुक्कना शुरू हो जांदा है, वह दिन ना कदे आंदे हो क्योंकि उही तुहाडी जित तो पहला दिन हुंदा, उस तो अगे तुहाडी जित हुंदी है, जिहड़ा उस दिन तो पिछे मुड़ आवे वह कदे नहीं जित सकदा। जदों थकन नूं अक्कन नूं मन करे समझो तुहाडी जित बहुत नेड़े है, जे हुण थक गए हुण अक गए जे हुण पक गए तो समझो साडा बहुत वड्डा नुकसान है। सो बेनती करांगा कि इस संघर्ष का इक्को ही एंड है, इस संघर्ष का इक्को ही अंत है, इन्हां बिलों की वापसी और किसान की जित। जब तक किसान नहीं जित जाता यह काले कानून वापस नहीं होंगे। यह उही धरती है जिथे लोगों ने साइमन कमीशन वापस मोड़ दिता सी, जदों अंग्रेज सारे संसार च हकूमत करता हुंदा सी उदों भी साइमन कमीशन नूं कहा सी साइमन कमीशन गो बैक, साइमन कमीशन नूं वापस मोड़िया सी, साइमन कमीशन का मूंह मोड़ के उन्हें वापस भेजा सी, रोल्ट एक्ट इतने नहीं सी लागू होन दिता। सो यह ना कहो कि यह जिहड़े एक्ट बन जाते हैं लागू होंदे ने यह वापस होंदे ने, जां जे एक्ट वापस नहीं होएगा तो फिर सरकार वापस होंदी है, जिथों आई है ना उत्थे ही वापस जाएगी अगली सरकार, फिर लिया के उत्थों रोल्ट एक्ट जिहड़े इदां दे रोल्ट एक्ट वर्गे एक्ट ने ना यह सारे एक्ट जिहड़े ने यह खारज हो जाते होंदे ने। धरती ते कोई पत्थर ते लकीर नहीं बनी होंदी, हर चीज की वापसी होंदी है। और लास्ट ते मैं कहांगा कि अज तुसी बुलंदी ते हो, अज तुहाडी सारे हिंदुस्तान दे विच तूती बोलदी है, पर एक गल याद रखियो कि इंसान को चाहिए उड़ान में रहे, कोई माड़ी गल नहीं, इंसान को चाहिए उड़ान में रहे मगर वापसी भी ध्यान में रहे। एक दिन लैंड भी करना है, धरती ते आना पैना, वो दिन अपने जरूर सेफ रखियो कि धरती ते सेफली लैंड कर सको, उपर खापर धरती ते उतरना पै गया तो जहाज पलट जाते होंगे ने, गल्ला याद रखियो। सो बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी जी कि तुसी अज मौका दिता, और फिर जिथे जिथे भी कदे लोड़ पएगी, बाहर सां ते दूर सां अज आ गए हां, हुण जिथे जदों लोड़ पएगी इस संघर्ष दे विच इस मुहिम दे विच तुहाडे सारिआं दे नाल हमेशा हाजिर हाँ। बाकी काम भी चलते रहने ने, पर जिथे जदों याद किया जाएगा असी पंजाब दी किसानी लई, पंजाब दी जवानी लई और पंजाब दे हर एक हित लई खड़े हाँ, क्योंकि अगे सिर्फ दो चीज़ां ते पहरा देना पै रहा सी, रुख ते और कुख ते, क्योंकि पोल्यूशन और जो बर्बादी पंजाब दी अज हो रही सी असी उहदे लई भी अवेयर होए सां कि पोल्यूशन नूं किवें कंट्रोल करना, रुख किवें लाए जाण, और साडे मित्र ने राजवंत सिंह हुणी डॉक्टर राजवंत सिंह वो गुरु नानक जंगल लगा रहे ने, और उन्होंने 550 जंगल लाउण दा टीचा मिथिया सी, जिहदे चों 250-250 जंगल मैनूं लगदा लग चुके ने। रुख ते पहरा दे रहे सां, धीआं नूं मारिया जा रहा सी, कुख ते पहरा दे रहे सां, तीसरा पहरा शुरू हो गया जे रुख ते कुख ते हुण भुख ते, किसान नूं भुखा नहीं मरन देना। जे जागदी जमीर है, अंदर आत्मा जागदी है, यह दुनिया का अन्नदाता दुनिया नूं रजाउण वाला, किसान ना भुखा मरे इहदे नाल खड़े रहो सारे। इन्नी क बेनती करदा तुहाडे तों इजाजत चाहना, बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। किसान मजदूर एकता, किसान मजदूर एकता, किसान मजदूर एकता। बहुत ही सत्कारयोग जुझारू जोधियो ते मेरी सत्कारयोग भैनों, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आपां सारे जानते हैं कि किन्ने दिनों तो आपां इस धरने ते बैठे हैं, अलग अलग थावां ते वक्खो वक्खरे धरने लगे हुए ने। सो असी बेशक कलाकार हाँ,
पर कलाकार बाद चा पहला असी किसान हाँ। मैं आप भी खेती करदा, अलग अलग जगह ते धरने ते जाण दा मौका मिलिया। सो अज जिवें सारे बुलारे एक सांझी गल करदे ने, वह गल मैं भी करूँगा क्योंकि वह बहुत जरूरी है। साडा संघर्ष अज इस मुकाम ते पहुंचिया होया, सानू उत्थे सब तो बड़ी एहतियात जिहड़ी वरतण दी लोड़ है, वह साडियां राजसी पार्टियां वक्खो वक्खरे तरीकियां दे नाल सानू भरमाउण दी कोशिश करदियां ने, सानू पाड़न दी कोशिश करदियां ने। सो उहनां तों बचना साडा मुख मकसद है, उहनां तों बचना साडा पहला कदम होना चाहीदा है। दूजी गल कि पंजाब दे विच जे किसान खुशहाल होया, जे किसान दे खेतां च फसल होई है, तो हर फिरके दा लोग खुशहाल होए ने, चाहे वह साडे शहरी सी, चाहे वह साडे मजदूर भरा सी, चाहे दुकानदार सी, चाहे वह कोई मुलाजम सी। उन्हां सारयां दी खुशहाली इक इस किते नाल जुड़ी है क्योंकि पंजाब दी आर्थिकता दी रीढ़ दी हड्डी किसान है। सो किसानां ने अन्न भंडार विच जिथे हिस्सा पाया है, मैं समझदा हां कि वह साडे बजुर्गां ने लंबे समय तो मेहनत करके जिन्हों हरा इनकलाब कहिंदे ने ओह लैके आंदा ते मुल्क दे अन्न भंडार च हिस्सा पाया है। सो साडियां सरकारां दीआं कमियां रहीआं है कि उन्हां अन्न भंडारां नूं उन्हां अन्नदात्यां नूं अज सड़कां ते रोलना पै रिहा है। असीं अपने धरनिआं दे विच इक जय जवान ते जय किसान दा नारा लाउने आ। असीं जवान नूं इस करके जय कहिंदे आ कि सरहदां दे उत्ते साडे तीआं पुत साडे भैण भरा राखियां करदे ने, वह सानू सुरक्षित करते हैं बाहरले दुश्मनों तो। पर साडे किसानां ने सुरक्षित किया अनाज पैदा करके सानू उस भुखमरी तो। सो उस लिहाज के नाल जदों साडा जवान, जदों साडे फौजी भरा पूरी ड्यूटी करके वापस आउंदे ने अपने घरां नूं, तां उहनां नूं पेंशन मिलती है। सो मैं समझदा सी साडे बजुर्गां नूं एप्रीशिएट करन दे लई, साडे बजुर्गां नूं हल्लाशेरी दे लई उवें इक पेंशन देनी चाहीदी सी, पर सरकारां ने इन्हां नूं इन्हां दीआं फसलां इन्हां दीआं जमीनां खोह के एक इहो जिहा तोहफा दित्ता है कि सारी उम्र यह याद रखण। सो बाबे बंदा सिंह बहादुर ने सानू मजारियां तो मालक बनाया, सानू साडे तां गिरदारियां हुई जमीना दीआं असी मालक बने। असी जदों जम्मदे हाँ तां साडे नाल पहला किसान जुड़दा है कि यह फलाणियां दे मुंडा जम्मिया, फलाणियां दे धी जम्मी है। उस तो बाद असी होश संभलदे हाँ, पढ़दे हाँ, फिर सानू समझ आउंदी है कि फलानी कांग्रेस पार्टी है, फलानी अकाली पार्टी है, जां कोई होर पार्टी है। असी इन्हां पार्टियां नूं बाद विच समझण दी कोशिश करदे हां। सो अज जदों किसानां दे उत्ते एड्डा वड्डा जुल्म हो रहा सी, काले कानून साडे मत्थिआं ते मरे जा रहे सी, तां इन्हां सारियां पार्टियां नूं छड्ड के सानू इक धरने थले इकट्ठे होना चाहीदा सी, सानू इत्थे किसानां दे नाल बैठना चाहीदा सी। मैं एक छोटी जी गल तुहाडे नाल सांझी करके अपनी थां लांगा क्योंकि समय की बहुत कीमत है। जिहड़े मेरे मेरे तो वड्डी उम्र के लोग इत्थे बैठे ने, वो इस गल नूं जाणदे ने कि सन 1984 दे विच जदों गवर्नरी राज लग्गिया उदों साडे उत्ते एक बिलां दा मसला सी, एक बिजली दा बल सी पंजाब दा। सो असी जाके गवर्नर हाउस घेसे घेरिया चंडीगढ़ जाके, 7 दिन साडे बजुर्गां ने वह गवर्नर हाउस घेर के रखिया। उदों की मसला सी कि साडे पटे वालियां मोटरां हुंदियां सी, उन्हां मोटरां दे उत्ते ही साडी टोके वाली मशीन सी, उन्हां मोटरां दे उत्ते साडे थ्रैशर सी, उन्हां मोटरां ते साडियां कलाड़ियां सी। तां सरकार कहिंदी कि जे तुसीं टोका करना है मोटर दे उत्ते, कलाड़ी चलाउणी है, थ्रैशर चलाउणा है, तां तुहानूं वध रेट देने पैणगे, तुहानूं बिल वध देना पऊगा। ते दूजी गल इह सी कि तुसीं मोनोब्लॉक मोटरां लवाओ पटे वालियां मोटरां छड्ड के, इह दलाली भी कीती उह गवर्नमेंट ने। तां साडे किसानां ने आप मुहारे जा के, जिवें अज इस धरने ते कोई किसे नूं सद्दा नहीं भेजदा, कोई किसे नूं अपील नहीं करदा, लोग अपने मुहारे आप उठ के घरां चों आउंदे ने अपने अपने साधनां ते। उदों भी 36 साल पहलां लोग आप मुहारे उठ के चंडीगढ़ आए ते गवर्नर हाउस 7 दिन घेर के रखिया। 7 दिनां बाद जदों गलबात होई, गलबात होण तों बाद जदों धरना चक्किया गया, तां साडियां पोलिटिकल पार्टियां ने की कीता, साडे भोले किसानां दे, साडे भोले जिमीदारां दे मनां च इक गल पाई कि तुहाडे लीडर बिक गए, जे 7 दिन धरना होर रख दे तां कणक दा रेट 84 सन दे विच 2000 रुपया हो जाणा सी। सो इह गल क्योंकि हमेशा ही राजसी पार्टियां ने आपो अपने लालचां दे लई सानू भरमाउणा हुंदा है,
आपो अपने लालचां दे लई धर्मां दा नाम वरत के कदे देश दा नाम वरत के पंजाब नूं लुट्टिया। सो अज भी इन्हां धरनियां नूं खणाउण दी कोशिश कर रही पार्टियां लगो लोगे तरीके दे नाल सानूं भंड रहियां ने। इस गल चों बचना है, असी किसान फसलां नहीं बीजदे, असी जिंदगियां बीजदे हां। असी जिंदगी नूं चलाउण दा सब तों वड्डा साधन आ। थोड़े दिन पहला किसी मेरे वीर ने फेसबुक ते बड़ी कमाल की गल पाई कि जे साडे खेतां चों कोई गन्ना पट के लै जांदा है, कोई बंदा साडी ट्राली चों गन्ना खिंच लैंदा है, कोई साडे खेतां चों साग तोल लैंदा है, तां असीं उहनूं इह नहीं कहा कि तेरे वल 50 रुपये बन गए 75 रुपये बन गए। पर तुसीं किसी दुकान तों 1 रुपये की माचिस की डब्बी चक के देखो, कहूगा भाई साहब थोड़े वाल 1 रुपया बन गया। इन्हां लोकां नूं तां अंदाते कहा जांदा सी, अंदाते तां कहाउंदे ने। सो साडे लई वड्डा समय इक होण दा समय, जदों तक असी एक रहांगे उदों तक असी लड़ाई लड़दे रहांगे, उदों तक अपना रोस प्रगट करते रहांगे, ताकि आने वाली नसलों को यह पता लगे कि जदों ये काले कानून सरकार ने साडे मथियां ते मरे तो साडे बजुर्गों ने साडे बाप दादियां ने साडियां मामा भैणां ने कट्ठे हो के इहदा विरोध किया ते संघर्ष लड़िया सी। अज असी आजादी की लड़ाई के योधियां नूं याद करते हाँ कि साडे बाबे दादे साडे गदरी बाबे जां दूजे साडे शहीद पंजाब चो हिस्सा पाते रहे, लड़ाइयां लई लड़ते रहे। सो अज साडा फर्ज बनता है कि असी रवायती पार्टियां छड्ड के खुंडां दीआं चर्चा छड्ड के इन्हां कट्ठां विच बैठीए ते अपने एके दा सबूत दईए। बहुत बहुत मेहरबानी, शुक्रिया, धन्नवाद जी। माहौल जिहड़ा बन गया उहदे च संगत तां देख नहीं रही, मैनूं लगदा मैं ही देख रहा हूँगा इत्थे, क्योंकि लाइटां बड़ियां पै रहीआं उत्ते। आओ संगत जीओ, गुरु महाराज की बख्शी हुई फतेह की सांझ पाई है तो थोड़ा सारिया का पता लग जाए भी इस पंडाल च बैठे हो, शमूलियत हैगी है थोड़ी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। असी दो गल्लां ही करनियां, पहला तो वो दुके साहब गुरप्रीत बाई मलकीत बाई सारे आए हैं, तो साडे होर भी जड़े सज्जना परमपाल बाई सुखदेव बाई सारिया का बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि जदों तुसीं आउने हो हल्लाशेरी दिने हो तो यह भी नाल अहसास कराउने हो भी असी नाल हाँ, जदों जिथे किते थोड़ा सुनेहा आऊगा असी नाल खड़े हाँ। और ये गल नहीं हुंदी भी एक मोर्चे च सारे जाने ही बैठे होण ते तां ही कट्ठे हो सकते हैं। इतिहास च हमेशा जदों संघर्ष लड़े जाते हैं, लड़ाइया लड़िया जांदियां, मोर्चे लाए जाते हैं, तो वक् वक् थावां तों मोर्चे ला के लड़े गए आ ते लड़े जाते रहेंगे, आपां भी उही कीता। पर गुरप्रीत भाई इस मोर्चे का एक मकसद थोड़े नाल सौखे जे शब्दों च आपां शेयर करना सी। जदों किसान जथेबंदियां नाल मीटिंग हुई, आपां उस किसानी दे संघर्ष चों वख नहीं आ, उस संघर्ष दे नाल ही आ, किसान जथेबंदियां दे नाल भी आ। पर जदों इस लड़ाई नूं सिर्फ रियायतां ते सोधां ते तक सीमित कर दिता जाऊगा, फिर पंजाब दी गल कौन करूगा या पंजाब दी होंद दी गल कौन करूगा। एक मोर्चा या एक प्लेटफॉर्म इहो जिहा सिरजिया जावे जिथे ये सुनेहा लोकां तक पहुँचावे, वह प्लेटफॉर्म भी पंजाब कल्ली किसानी दी या कल्ले मजदूरां दी लड़ाई नहीं लड़ रहा, आपदी होंद दी लड़ाई लड़ रहा, साडी धरती नाल साडा सभ्याचार साडी मां बोली साडा इतिहास साडा फलसफा साडा सब कुछ ही जुड़िया हुंदा, साडी सियासत जुड़ी हुंदी आ। जदों साडे तो साडी धरती या साडे तो साडी जमीन खोही जांदी आ, असीं उहदे नाल खुरदे आ, इह सब कुछ खुर जांदा। इहदी एक छोटी जी मैं तुहानूं एग्जाम्पल दिंदा, मोहाली च चंडीगढ़ जदों इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनिया तो जमीन एक्वायर की गई, जमीन एक्वायर करके उन्होंने कॉम्पनसेशन भी मिली जिन्हों की जमीन एक्वायर हुई किसानों, कई किसानों की सारी दी सारी जमीन ही उहदे च गई। वो किसान जिन्हों को अज जमीन नहीं आ वह भी इस संघर्ष च शमूलियत दे रहे आ, इस संघर्ष साढ़े नाल बैठे आ। ये तो आप वजह समझिए क्यों, क्योंकि उन्हां तो उन्हां दी सियासत खोली, जमीन दे नाल पिंड च रहन जोगा नहीं रहा, अगले दी खुदमुख्तियारी हथों चली गई। जदों दो किले भी हुंदे आ ना जिहदे कोले, उह कहिंदा यार मैं जो बीजना बीजूंगा, मैं बीजूंगा कि नहीं बीजूंगा मैं फैसला करूंगा, तुसीं थोड़ी करोगे, अगले दी खुदमुख्तियारी आ ना। जदों तुसीं
कंपनियां नू कारपोरेट सैक्टर नू एहो जे कानूनां दे अधीन साडे ते गलबा पवा दोगे, साडे तो साडा सब कुछ खो के लै जाओगे। सो पंजाब दे जिहड़े इंटरस्ट आ या पंजाब दे मसलियां दे जिहड़े हल आ उह कदे वी सेंटर नाल मेल नहीं खांदे, कॉन्फलिक्ट रहूगा ही रहूगा हमेशा। जे कॉन्फलिक्ट रहूगा तां इह गल वी समझण दी जरूरत आ, जिहड़ी असीं लड़ाई लड़ रहे हां उह इक राजनीतिक सियासी या पोलिटिकल लड़ाई आ, एक कली किसानी का संघर्ष नहीं असी लड़ रहे, उदू गल बड़ी है यह। सो इस करके उस संघर्ष के विच एक होर मोर्चा विढ़िया गया। तुसी आपां कलाकार लोग हाँ, कलाकारां नू कलाकारां दी माड़ी मोटी समझ हुंदी आ, तुहानू लगदा थोड़ा भरा इत्थे MLA या MP बनना आ या इस प्लेटफॉर्म तो आपकी कोई यह MP या MLA की एक राजनीति फ्रंट तैयार कर रहा, या एडी छोटी सोच मेरी हो सकती सी। सो इन्निया क मैं विश्वास फिर दवाना भी मैं MP या MLA बन नहीं आया, पर पंजाब लई मैं वो हर चीज़ करूँगा, चाहे समाजिक कोई गल करनी हो, समाजिक इनकलाब लिया पवे, राजसी इनकलाब लिया पवे, या सानू दिल्ली नाल लड़ना पवे, मैं हर जगह पंजाब दे उन्हां सुहिरद लोकां नाल खड़ा जिहड़े सुहिरद लोग पंजाब दा दर्द पाली बैठे आ, जिन्हां दीआं जमीरां जागदियां। सो अगली गल असी जे समझिए, असी आ देख लो बंदा बहादुर, बाबा बंदा बहादुर जी दा आपां लिखिया भी पहले सिख राज दे बानी बाबा बंदा सिंह बहादुर, जिन्हां ने सानू मुजारियां तों जमीनां दे मालक बनाया। हुण इन्हां ने कारपोरेट कल्चर नूं ही खत्म कीता सी ना, उस जमाने च कारपोरेट कल्चर ही सी, उहनूं खत्म करके जमीनां दे मालक बनाता लोकां नूं। अज वरतारा की चल रहा उल्टा, इस वरतारे नूं रिवर्स करन दी कोशिश कर रहे आ। अच्छा ये फिर आपदे आप नूं मॉडर्न कहिंदे आ, असी मॉडर्निटी की गल भी समझ लीए। अज यूरोपियन सिविलाइजेशन है ना जिहड़ी, वो सब तो मॉडर्न सिविलाइजेशन मनी जाती है, या इस मॉडर्न सिविलाइजेशन की फाउंडेशन मनी जाती है, या वैसट तो सारा संसार बहुत प्रभावित आ वैसटन सिविलाइजेशन तो। जदों उस सिविलाइजेशन ने हौली हौली इवॉल्व होकर यह गल समझी भी सानू छोटे छोटे खित्तियां च खुदमुख्तियारी देनी पवेगी, सानू पावर नूं डिसेंट्रलाइज करना पवेगा, सेंट्रलाइज पावर नाल विकसित नहीं होना किसी ने या विकास नहीं होना किसी खित्ते च। स्विट्जरलैंड एक छोटा जिहा मुल्क आ, उत्थे 200 बंदे भी जे खड़े होके कह दिंदे आ सानू असी वखरे आ, सानू वखरी पछाण दिओ, अगले कहिंदे आ लै लो। उत्थों दी सरकार दा मोटो ही आ स्मॉल इज ब्यूटीफुल। कैनेडा असी शूटिंग लई भी जाने आ, ऊं भी जाने आ, कैनेडा च हर सूबे दा झंडा भी वखरा, इहदे नाल कैनेडा वख हो गया। अमरीका च हर स्टेट के कानून वखरे वखरे आ, अमरीका वख हो गया। अज भी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कहा जाता ना, अज भी कैनेडा नू कैनेडा कहा जाता ना, तो वह मुल्क च कोई वखवादी गल हर बंदा असी देख सकते हैं। कैनेडा च या अमेरिका च किड्डा बड़े वह देश भगत आ, पेट्रीएट आ, और देश भगत वो देश की उन्हों की परिभाषा की है, तो साढ़े वाले की परिभाषा की आ। कल मोदी साहब का बयान आया भी असी जिहड़े कानून बनाए आ 370 आ, चाहे असी ट्रिपल तलाक का फैसला लिया, चाहे कोई होर जिहड़ा असी फैसला लिया, वो तो पिछों नहीं हटांगे, देश के हित चाहे देश भगती आ। लुपतंत्र यही नहीं पता, एक भूगोलिक खिते ही देश मिनी जाते हैं, इन दे भी उधरों कन्याकुमारी तो लैके कश्मीर तक जिहड़ा बिच एक धरती आ वह साडा देश आ। जे वह देश हुंदा तां गुरु नानक साहब कहिंदे माता धरत महत, फिर तां माता जे साडी सिर्फ हिंदुस्तान ही आ ते इहदा मतलब अमरीका कनेडा आस्ट्रेलिया वाली धरती तां साडी माता ही नहीं रहेगी। सो देश एक भूगोलिक खिता नहीं हुंदा, देश लोक हुंदे आ, लोक ही उस धरती नूं माता दा दर्जा दिंदे आ। जे लोक पवित्र आ तां धरती माता होगी, जे लोक पवित्र नहीं आ तां उह उन्नी ही अपवित्र धरती होगी। ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਹਿੱਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਆ, ਕਿਸਾਨ ਸਾਡੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਣ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਕਿਹੜੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਸੀਰੀਅਸ ਆ, ਚਿੰਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ।
पंजाब ते आपां जे वापस आईए पंजाब आपदे होंद की लड़ाई लड़ रहा, पंजाब खुद मुख्तियारी की लड़ाई लड़ रहा। खुद मुख्तियारी असी यही नहीं कहीए कल्ले सानू दिओ, खुद मुख्तियारी तुसी हरियाणे नू भी दिओ, कर्नाटक नू भी दिओ, महाराष्ट्र नू दिओ, बंगाल मंगी जांदा उहनां नू दिओ, तमिलनाडु मंगी जांदा उहनां नू दिओ, हर बंदे नू खुद मुख्तियारी दिओ। जे एड्डी ज़्यादा पावर सेंट्रलाइज कर लोंगे समय समय से संविधान च तवरमीमा कर करके, तो तुसी संविधान च सारी पावर सेंट्रलाइज कर लोंगे, तो वह सेंट्रलाइज तो बाद परसनलाइज कर लेंगे। अज सिर्फ मोदी तो अमित शाह दो बंदे ही आ जिथे पावर हजे असी सानू पता सेंटर आ, बाकी तो मोहर लाते हैं, बाकी किसी खेतीबाड़ी मिनिस्टर का, किसी एविएशन मिनिस्टर का, किसी आई एम बी मिनिस्टर का कोई रोल आ? कोई रोल नहीं। सो लड़ाई जी असी लड़ रहे हैं एक्चुअली जे देखा जाए तो सरकार नू बचाउण दी, इस ढांचे नू बचाउण दी, इस फैडरल ढांचे नू बचाउण दी लड़ाई लड़ रहे हैं, इस डेमोक्रेसी नू बचाउण दी लड़ाई लड़ रहे हैं, इन्हां दे हित दी लड़ाई लड़ रहे हैं, इन्हां दे गल्लां ही नहीं समझ आ रही। असीं इह कह रहे हैं पावर नू डिस्ट्रीब्यूट करो, सूबियां दी पावर सूबियां च डिस्ट्रीब्यूट करो, लोकां दी पावर लोकां च डिस्ट्रीब्यूट करो। जे साडे कोले इन्ने कु फैसले तां हुण असीं आपदी फसलां दे मुल आप तय कर सकीए, असी फसल बीजनी आ ते बेचनी आ। हुण खरीदण वाली धिर भी कदे फसलां दे मुल तय करदी हुंदी आ, खरीदण वाला बंदा भी कदे थोड़ी जिहड़ी चीज़ तुसीं वेचनी आ उहदा मुल तय करदा हुंदा। फिर असी कदों इह गल असी जे समझ लईए भी असी एक मॉडल किसानां वास्ते जां मजदूरां वास्ते तैयार कर लांगे जिहड़ा साडे लई लाहेवंद होऊगा, असी बहुत दूर हाँ। असी अज तो पहलां खुदकुशियां ते कर्ज़ियां दे मॉडल तो एक चंगे मॉडल लई लड़दे हुंदे सी, हुण साडी लड़ाई की आ गई अज की डेट च भी आ कानून वापस ले लो। देखो लड़ाई किवें बदलते आ, इह वजह यही आ, ये समझण की जरूरत आ। वजह बहुत बड़ी यह आ भी असी मसलियां नूं लैके मसलियां नूं मुखातम हुंदे रहिंदे आ। मसले किसी एक हालात ने दिते हुंदे आ, उह हालात चों तां पैदा हुंदे नहीं, किसी हालात की देण आ, एक खास तरह के हालात की देण, उह मसले उन्हां हालातों नूं असी कदे मुखातम ही नहीं हुंदे। जदों तक असी बीमारी की जड़ च जाके जड़ नूं नहीं पट्टांगे उदों तक इन्हां मसलियां ने नहीं सुधरना। होर भी कानून आउंदे रहणगे, कल्ले किसानी ते नहीं, साडे ते होर भी व्यापार ते भी आउणगे, साडे सिक्ख्या ते भी आउणगे, आ ही आंदे आ, साडे टूरिज़म ते आउणगे, हैल्थ ते आउणगे। पंजाब नूं तां छड्डना ही नहीं ना, पंजाब तां जिहड़ी पंजाब कहिंदा असी विलक्खण आ, साड़ी एक आपदी आइडेंटिटी आ, साडा आपदा इतिहास आ, मां बोली आ, साडा फलसफा गुरु नानक साहब का फलसफा, वह तो जरदे ही नहीं ना। यह कल्ली बीजेपी सरकार नहीं, यह तो एक पोलीटिकल फ्रंट आ, कदे कांग्रेस ने भी नहीं जरिया। दिल्ली साड़ी कदे मित हो ही नहीं सकती, दिल्ली के हित तो साढ़े हित कदे जिहड़ी उन्होंने भारतीय कौम सिरजन की जिद फड़ी हुई आ, जे असी उस गल नूं समझदे आ तो साढ़े हित तो दिल्ली के हित कदे भी एक नहीं हो सकते, टकराव रहूगा ही रहूगा। इन्नियां क बेनतियां मैं करनी सी, गल्लां बहुत लंबियां आपां कर सकते हैं पर कई वारी समय नूं भी देखना पैंदा। तुसीं सारे आए, बहुत आदर माण सत्कार थोड़ा सारयां दा आयां दा जी आयां नूं जी, मेरे वल्लों बहुत सारा प्यार ते सत्कार संगत नूं भी। जिउंदे वसदे रहो, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। होर नवीं अपडेट्स लई देखदे रहो बरसाला टीवी, धन्यवाद।